हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेट पर। सरकारी नौकरी का यह सेगमेंट है और आज इस सेगमेंट में बात होगी लेक्चरर पदों पर भर्ती के बारे में। इस भर्ती के जरिए 500, 600 या 700 पद नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा पद भरे जाने हैं। लेकिन ये भर्ती निकली कहाँ पर है, इसकी डिटेल्स क्या है, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, योग्यता आपके पास कौन सी होनी चाहिए और साथ ही सैलरी कितनी मिलने वाली है, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो के जरिए मैं वन बाय वन बता दूंगी। आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी माइनर डिटेल आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। SSB उड़ीसा ने नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में लेक्चरर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए करीब 1065 पदों को भरा जाएगा। आपको मैं ये बता देती हूँ, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है और आपके पास 13 अक्टूबर तक का समय है। अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssbodisha.ac.in, उड़ीसा की स्पेलिंग होगी ODISHA, ठीक है, ये हमने आपको बता दी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कौन से उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास कंसर्न यानी कि संबंधित विषय से मास्टर्स की डिग्री आपके पास है और आपने मास्टर्स का जो एग्जाम है वो 53% से पास किया हुआ है तो आप पूरी तरह से इस भर्ती के एलिजिबल है। लेकिन ये जो 53% जो मार्क लाइन है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए है। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी के या फिर PWD कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और आपने मास्टर्स किया हुआ है तो इस बात का ध्यान रखिए कि 50% मार्क्स भी आपके लिए चलेंगे, यानी कि आपके पास मास्टर्स में 50% मार्क्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको तब भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और डिटेल जानकारी हासिल करनी है तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करना होगा। अब आपको बता देते हैं कि उम्मीदवारों की एज कितनी होनी चाहिए। सो मिनिमम एज इस भर्ती के लिए 21 साल और मैक्सिमम 42 ईयर्स रखी गई है। वहीं जो भी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे उनको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, लेकिन किस वर्ग को कितनी छूट मिलने वाली है ये जानने के लिए भी आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा। यानी कि कुल मिला के जब आप फॉर्म भर रहे हो ना तो अपने पास नोटिफिकेशन का एक प्रिंट आउट या फिर डाउनलोड करके उसका PDF ज़रूर रख ले ताकि बार बार जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो आपको इधर उधर जानकारी ना हासिल करनी पड़े, आपके पास एक सेट फॉर्मेट हो और उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भर पाए। अब फॉर्म तो आपने भर दिया, डिटेल्स अपलोड कर दी, लेकिन फ़ीस कितनी देनी है। सो जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। वहीं SC ST या फिर PWD कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं फॉर्म भरते वक्त आपको 200 रुपये फीस देनी हो, यानी कि जनरल कैटेगरी से आपकी फ़ीस थोड़ी कम रखी गई है। बात अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हो तो सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपके करियर के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बाद होगा वाइवा वॉस, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि करियर के जो मार्क्स हैं वो कैसे लगेंगे। सो जिन कैंडिडेट्स ने MPhil किया हुआ है या फिर PhD किया हुआ है और कंसर्न सब्जेक्ट में उन्होंने नेट का एग्ज़ाम निकाला हुआ है तो उन्हें मैक्सिमम 25 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं उन उम्मीदवारों ने जिन्होंने MPhil किया है या फिर GRF और या फिर नेट या फिर MPhil विद नेट पास किया हुआ है तो उन्हें मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो भर्ती की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है, यानी कि अपने फॉर्म भर दिया, फीस भर दी, एग्जाम भी दे दिया और आपका हो गया सिलेक्शन। लेकिन सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो देखिए इस भर्ती के लिए पोस्ट के साथ साथ जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी है। पर मंथ आपको 44,900 रुपीज़ से 1,42,400 रुपीज़ तक मंथली सैलरी मिल सकती है। तो 1065 पद हैं, आपके पास लंबा टाइम भी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का और सिलेक्शन के बाद सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली। तो कुल मिला के जिन उम्मीदवारों ने मास्टर्स किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, उनके लिए बहुत अच्छी ये भर्ती निकली है। फटाफट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और आखिरी तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म भर देना है, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो लास्ट डेट है उसके बाद लिंक एक्टिव नहीं रहेगा तो आप ऑब्वियसली बात है आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको बताया कि जो SSB की भर्ती होने वाली है लेक्चरर पदों पर, उसकी डिटेल्स हमने आपको बताई। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है या फिर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। सरकारी नौकरी के सेगमेंट में आज इतना ही। अगली बार फिर आपके सामने आऊंगी ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के साथ और साथ ही ऐसी ही डिटेल्स के साथ, ताकि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप तक टाइम टाइम पर इन्फॉर्मेशन पहुँच दी जाए।
आज के लिए इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।